चलिए देखिए, आगे देखेंगे प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट बताएं, अभी जितने भी बातें आपको बताई गई हैं आगे भी उनको रिपीट किया जाएगा। लेक्चर देख रहे हो ना सभी लोग? कितने लोग देखते हैं? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसको देखेंगे दोबारा से, बस देखना है, क्या दिक्कत है, दोबारा से एक बार। मान लो आप लेटे हो उसी में से चला तो कोई दिक्कत, उसमें देख लो नोट तो है ही, उसमें से बस थोड़ी देर बैठे रहो तो कोई दिक्कत नहीं। वीडियो ही तो देखना है, उसमें बस सुनना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रिवाइज करो क्योंकि लिखा हुआ तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। कितने लेक्चर हो गए हैं आज? भेजा था कौन सा लेक्चर था? नाइन्थ था। चलो देख लेते हैं, आगे लेक्चर है। आज हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पहले इसको समझेंगे। सर बेज रूल नहीं, पहले हम इस पर क्वेश्चन बात करेंगे, दो चार क्वेश्चन आपको इस पर सिखाएंगे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का योग नियम, प्रायिकता का योग नियम। पहले इसको समझ लेते हैं, योग नियम या योग प्रमेय। अब आने बेटा नियम, और जैसे ये हो जा रहा है बेज रूल, फिर हम कुछ कंपटीशन के भी क्वेश्चन आपको देंगे। आपको लगेगा यार मुझसे तो कंपटीशन के भी सवाल हो रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। देखिए तो हम यहां पर बात करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सुनिएगा। देखिए बेटा थोड़ा सा ऐसे बना दिया सैंपल स्पेस। देखो इधर बेटा, आगे हम यहां पे ट्वेल्थ में जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिएगा, अभी यहां पे जरूरत नहीं, लेकिन आगे हम मतलब यहां कंपटीशन में आप पढ़ोगे ये चीज, लेकिन यहां पर थोड़ा समझाने के लिए बना दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम सुना है सेट थ्योरी में, वैसे ही थोड़ा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, थोड़ा कुछ समझाने के लिए। ठीक है, देखो क्या होता है। देखो ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसको कहेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को ऐसे बना दिया, मतलब देखो ये ध्यान दीजिएगा, एक कल्पना है, समझ लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। भाई जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल तो टंकी के अंदर है, तो उसमें कितना है, बार बार झांकने से बढ़िया वो जो पॉइंट बने हैं उन पर झांको, यानी तीन पॉइंट है इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं, दो पॉइंट एक है टिप टिप कर रहा है इसका मतलब ठीक है डला लो कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब वो एक इंडिकेशन है, खोलने की ज़रूरत ही नहीं टंकी को। पहले नहीं होता था, पहले भी होता था लेकिन पता चल जाता है उसमें, तो अब तो पॉइंट पॉइंट बन के आते तो ईजी रहता है थोड़ा समझना। तो ये चार्जिंग वाले मोबाइल में भी होता है। आप कीपैड मोबाइल देखते हो, जब शुरुआत में मोबाइल आया था तो जैसे आज की जो मोबाइल होता है कितने दिन चार्ज रहता है? तीन। पहले जो मोबाइल बना था आधे घंटे चार्ज रहता था। ठीक है, और सुनिएगा, ये 2004 से मतलब 2004 तक भी नहीं थे किसी के पास मोबाइल, हमें पूरा याद है 2004 तक भी नहीं मोबाइल थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कीपैड आने लगे सबके पास, 2016 साल पहले की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं थे लेकिन कम थे, ठीक है ना बेटा। धीरे धीरे 2004 से स्टार्टिंग चालू हो गई। तो यहाँ पर मोबाइल कीपैड वाले में कैसे पता चलता है बैटरी कम, बोलो? यानी वो एक हाइपोथेसिस, मतलब उन्होंने एक तरीका बनाया कि नहीं बनाया ये चेक करने का कि बैटरी कम है क्या, इससे पता चल जाता है। बात को समझिएगा, कोई एक तरीका, एक ऐसा तरीका जिससे हमें फील हो रहा वो चीज़। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी के लिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल को नाम दिया सैंपल स्पेस। इस पूरे सैंपल स्पेस, इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो वन होगा, एक प्रकार समझो क्या है,
वन होगा, सैंपल स्पेस में से ही कोई इवेंट होगी, पक्का है इसके होने की प्रोबेबिलिटी वन है। अगर मैंने इसके अंदर कोई इवेंट बनाई ए, अगर वो कम एरिया होगा, इसका एरिया एक प्रकार से जैसे आप मोबाइल में देखते हो उसके जो पॉइंट होते हैं वो शो करता है, अगर फुल चारों पॉइंट है तो इसका मतलब बैटरी फुल है, करने की ज़रूरत नहीं। भाई पेट्रोल की टंकी है उसमें आप मीटर में देख रहे हो कि पाँच पॉइंट, मान लो फुल तक आपके छः पॉइंट जाते हैं, अब छः के छः हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी अगर मैंने सर्कल छोटा बनाया है, ज़रूरी नहीं इसको सर्कल कोई भी शेप दे सकते हैं, बस वो शेप सर्कुलर इसलिए बनाते हैं, सर्कुलर ज़्यादा बेटर रहता है। आप कहीं पर भी देखिए, क्रिकेट में देखिए, आप बुक में देखिए, बुक में अगर कोई एनालिसिस करता है तो ये आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। अरे जैसे मान लो बोट ही दिखाए जाते हैं तो बोट ही इस राज्य में इतने हैं, इस तरह से दिखाया जाते हैं 10% तो ये और अलग अलग कलर दे देते हैं, फिर बता देते हैं रेड कलर, वो गोल वगैरह में देखा होगा आपने। तो वैसे ही यहाँ पर क्रिकेट में भी होता है कि इधर उसने 25% रन मारे हैं, इधर जो है 75% रन मारे हैं, मतलब 75% उसने इधर रन इधर मारे, 10% इधर है और इधर 2% है, इसका मतलब इधर बहुत कम उसने स्कोर बनाए, मतलब पूरे फील्ड का ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही टॉपिक का भी होता है कि भाई कोई आपने मैथ्स का पेपर हुआ जी मेन का एनालिसिस किया, अब या तो हम बताएं आपको ये सवाल अच्छा है ये सवाल, तो ज़्यादा बेटर है ऐसे ही तुरंत एक चित्र बना दो, इस चित्र से सबको महसूस हो जाएगा पेपर कैसा था। मान लीजिए मैंने पेपर इस तरीके से बनाया, इसे तीन पोर्शन में किया, इसे तीन पोर्शन में बनाया गया है और तीन पोर्शन इसको अलग अलग कलर दिया, इस M का मतलब है मीडियम और इतना पोर्शन है मान लीजिए इजी और इतना सॉरी ये आपका डिफिकल्ट है और ये M है। तो अगर मैंने आपसे पूछा, आपको जबकि मालूम नहीं, मैंने कहा यार पेपर कुछ इस प्रकार से, तो क्या कहोगे आप, ज़्यादा क्या आया है, मीडियम आया, इजी क्वेश्चन नहीं थे क्या, थे लेकिन डिफिकल्ट से ज़्यादा थे, सबसे कम क्वेश्चन क्या थे, तो देखो पता चल गया नहीं पता चल गया, तो एनालिसिस हो गई पूरी। पंडित होते हैं, आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, आपके आज जब से आप आए तब से लेकर जब तक रहोगे उनके बारे में तुरंत एनालिसिस कर लेते हैं, जबकि आप एक डे को बिताने में कितना टाइम लगता है, वो पूरा आपके जीवन को पूरा बता देते हैं कि हाँ बेटा ये करोगे वो करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी में ये जो हमने इसके अंदर बनाया है ये समझो इवेंट है, और ये कम अगर है तो समझ लेना एरिया हमारा क्या है, मतलब एरिया अगर कम है तो समझ लेना उसके होने की पॉसिबिलिटी लो है, ज़्यादा एरिया और बाकी है यानी इसके न होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैंने इस सर्कल को और बड़ा, जरूरी नहीं सर्कुलर कैसा भी बना दो, मान लीजिए हमने रेक्टेंगल वाला बना दिया कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं ऐसे भी बना देते, देखो ये वाला पोर्शन बना ली, ये इवन इवेंट है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी ये है और ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है। भाई ये पूरा सैंपल स्पेस है, ये इवन है तो ये क्या है, इवन बार, ये इवन, ये अगर ई है तो ये क्या है, ई बार है। इतना पोर्शन प्रोबेबिलिटी मतलब समझ लो उसका एरिया फील कर लेंगे, एक एनालिसिस एक हाइपोथेसिस बना दी हमने कि जो एरिया है वो आपको एक प्रकार से फील कर रहा है, ज़्यादा एरिया मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका जो एरिया है, और याद करो मैंने क्या बताया था, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होता है। अब देखो इससे फील करो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दो पोर्शन में बन रहा है, एक पोर्शन ये है तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, पी, और ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, वन होगा। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, वन है, सैंपल स्पेस है समझो, तो ये बताओ इतना एरिया क्या होगा, इतना इतना पी बार होगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा कि नहीं होगा, वो कितना होगा, देखो फील हो रहा। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं इवेंट्स को सर्कल के ही फॉर्म में बताया जाए, लेकिन हाँ सर्कुलर थोड़ा इजी रहेगा, तो सर्कुलर के फॉर्म में हमने बना दिया, तो सर्कल में अगर हमने बना दिया, ये बताओ ए कोई इवेंट बनाई ए इस सैंपल स्पेस के अंदर और ये बी इवेंट बनाई बी, अच्छा ये बताइए ये दोनों इवेंट्स में किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बोलो चित्र से बताइए। पी ए, चार ऑप्शन दे दिए, देखो अब ये देखो दिमाग वाला सवाल, पी ए इक्वल टू पी ग्रेटर देन, दूसरा ऑप्शन है पी ए लेस देन पी बी, और तीसरा ऑप्शन वो जो है मान लीजिए कुछ दे दिया पी ए इज इक्वल टू पी बी, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, कौन सा सही होगा बताओ,
पीए का मतलब एक प्रकार से उस सर्कल का एरिया, या जिस तरीके से दिखा रहे हो उस इवेंट को, अगर रेक्टेंगल फॉर्म में दिखा रहे हो तो उस रेक्टेंगल का एरिया है वो। तो ये हमारा क्या है, किसका, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जबकि आपको नहीं बताया गया लेकिन आपने उसके साइज से फील किया, जिसका एरिया ज्यादा यानी उसकी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि क्या है, एरिया एक प्रकार से उसकी प्रोबेबिलिटी को फील करा रहा है, एरिया कम होगा इसका मतलब उसके होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। अब देखो ये सही है। अच्छा, ये इवेंट्स कोई बता सकता कैसी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगी। तो ये ना कहना इवेंट इंडिपेंडेंट होगी, ये अभी नहीं कहा। इंडिपेंडेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी जी को पी एन टू पी बी होना चाहिए। ये अगर कॉमन नहीं आ रहा, ऐसे दोनों कट नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसी इवेंट्स हो गई? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कॉम्पिटिशन में। सैंपल स्पेस और दो डायग्राम बनाए, दो इवेंट को प्रदर्शित कर रहा है, तो बताइए कौन सी इवेंट्स है, तो क्या कहोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कॉमन नहीं आना चाहिए। चलिए, तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमने इस जो सैंपल स्पेस है इसमें कई सारी इवेंट्स है, ऐसे करके दिखा रहे, सर्कल करके नहीं दिखा रहे, हम चाहते पूरा एरिया कवर हो मेरा। पूरा एरिया का मतलब ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। देखो ये इवन इवेंट है, इतना पोर्शन देखो ई1 इवेंट को शो कर रहा है, इतना पोर्शन ई2 को शो कर रहा है, और इतना पोर्शन ई3 को, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट इवेंट है कौन सी, ई। ये कोई सर्कल है, सर्कल मतलब ये कोई ए इवेंट है। हमने आपसे पूछा ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने आपसे क्या पूछा, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जरा समझिएगा। ए इवेंट के अगर करने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले ये ध्यान रखना बेटा, ये हमारी क्या है, इधर ध्यान देना, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में E1, E2, E3, डॉट 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 डॉट, ये कितनी है, EN, ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स या पूर्ण घटनाएं, ये है जिसको हम क्या कह सकते हैं, MEEE। अच्छा, ऐसा सर्कल से नहीं फील होता, इसीलिए हमने ऐसे डायग्राम बना। अच्छा ये बताओ, जरा ये बताइए आपको, ये तो फील होता है कि जितनी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स है सबकी प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या होता, बोलो, सभी की प्रोबेबिलिटी का समीशन कितना होता है, 1 होता है। अब जरा इससे फील करो, क्या महसूस हो रहा होगा, क्या फील हो रहा है, होगा कैसे, पूरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 1। तो देखो ये एरिया प्लस उसके बगल वाले का एरिया प्लस ऐसे धीरे धीरे जितने बीच में पड़ रही डॉट डॉट और लास्ट वाले का एरिया, तो क्या बन गया, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, और कितने के बराबर होगा, ये बात समझ में आ रही। ये इस डायग्राम से भी फील हो रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट तो ये होता ही है, तो सर डायग्राम सही बना है। ये हमने क्या बनाया, कोई ए इवेंट है, ये कोई ए इवेंट है और इसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या होगी, इस ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला बना है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक उदाहरण समझा रहे, थोड़ा एग्जांपल थोड़ा सा इस तरीके से है कि बस उदाहरण क्या होता है, हमारा हेल्प करता है समझने में। अगर आपका एग्जांपल फिट बैठ गया तो वो चीज़ फिर आसानी से समझ में आ जाती है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण समझाना चाहता हूँ। मान लो मेरे जेब में कुछ पैसा है, यहाँ पर 5 बच्चे बैठे, मान लीजिए, सुनते रहिएगा ध्यान से मेरी बात को, सुनते रहिएगा, जितना अच्छे से सुनोगे उतना बेस्ट, अच्छा समझ में आएगा आपको। आपको लगेगा यार लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो बहुत ईजी, बस आप खो जाइए इसमें, मेरे सेंटेंस मेरे शब्दों को सुनते रहिए और समय की चिंता ना करिए, चाहे आज हम इसकी थ्योरी ही बता पाए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मुझे सर अच्छे से सीखना है इस चैप्टर को, तो मेरी बातों को फॉलो करना होगा। हमने क्या किया, मेरे पास कुछ रुपया था, ये 5 बच्चे बैठे, मैंने आपसे पूछा, मैंने मान लीजिए विवेक से पूछा, मैंने कहा बेटा मेरे पास कितना रुपया है, ये मैंने सेंटेंस पूछा, तो विवेक ने कहा कि सर मुझे नहीं मालूम है कि आपके पास कितना रुपया है, तो मैंने कहा मेरी जेब में रखा हुआ है, उसने कहा सर तो लाइए गिन लें इनको, तो मैंने कहा नहीं बेटा तुम जाओ जरा बाहर 2 मिनट घूम के आ जाओ, और 2 मिनट बाहर चले जाओ, थोड़ी देर बाद आना। मैंने क्या किया, उस पैसे को निकाला, मैंने इनसे कहा तुम्हारे पास कुछ है रुपया, कहा नहीं सर हमारे पास बिल्कुल एक भी रुपया नहीं, यानी इनके पास इनिशियल अमाउंट क्या है, 0 है।
जीरो है, मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट इनको, कुछ अमाउंट इनको, कुछ अमाउंट इनको, कुछ अमाउंट इनको, इनको, मतलब सबको बांट दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि इक्वल बांटा, सबको किसी को कुछ भी दे दिया, कुछ भी अमाउंट दे दिया, और अब मेरे पास है जीरो, यानी अपना सारा पैसा मैंने बांट दिया। बांटने का मतलब लिया वापस जाएगा, ऐसा नहीं तुम जो वापस लेंगे, ऐसा नहीं कि जो है बांट दिया, थोड़ी देर बाद वापस ले लिया। तो अब इनको कुछ ना कुछ अमाउंट दे दिया मैंने, कहानी जरा समझिएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या हुआ कि ये विवेक से मैंने आवाज़ लगाई, आ जाओ विवेक, विवेक आ गया। मैंने कहा बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझा रहे, इसलिए जो है इन बच्चों को कुछ पैसे दिए गए हैं। अब मैंने कहा मेरे पास कितना रुपया है, मैंने विवेक से कहा, मैंने कहा बेटा मेरे पास जो पैसा था मैंने इन पांच बच्चों को बांट दिया। आपने कहा सर मैं बता सकता हूँ आपके पास कितना रुपया था। एक तो तरीका वो था, सर आप मुझे उसी समय बता देते, मैं आपके सारे नोट लेता, गिन लेता, टोटल कर लेता, चाहे 10 के हों, चाहे आपके पास 100 के हों, 500 के, टोटल कर लेते, बता देते आपके पास ये अमाउंट है। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, अब अवेलेबल नहीं है वो पैसे, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं उनको बांट चुका हूँ। अब एक ही रास्ता है, इसको देखो, ये जो बच्चा है इसको वरुण मान लीजिए इनका नाम है, इनको कितना रुपया मिला, ध्यान देना, पॉइंट भी ध्यान रखना, क्योंकि अब दोबारा इस अमाउंट को नहीं काउंट करना है। वरुण इनको कितना रुपया मिला, प्लस इनको कितना रुपया मिला, प्लस उनको कितना रुपया मिला, प्लस उनको कितना रुपया मिला, प्लस उनको कितना मिला, यानी पांचों लोगों के अमाउंट को ऐड कर दिया, सर निकल आया आपके पास इतना रुपया था। क्या ये सही है तरीका? लेकिन वो तरीका ठीक था, आप कह रहे हो ना कि सर आप शुरुआत, लेकिन अब नहीं है वो अवेलेबल, मैं उनको बांट चुका हूँ पांच लोगों में, अब तुम्हें बताना मेरे पास कितना रुपया है। तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, उन सब को जो पैसा मिला है उनसे पूछ लीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, वही तरीका है, बस वही कुछ ऐसा है। यहाँ पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में एक ही प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका मतलब हमें ये पूरा सर्कल का एरिया निकालना होगा, एक ही अगर करने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब ये जो पोर्शन है ये इसका एरिया निकाल लीजिए और इसका पोर्शन, इसका एरिया निकाल लीजिए, ये जरूरी नहीं सर्कुलर है, कैसा भी शेप है, और इसका एरिया निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का जो शेप बनेगा वो सर्कुलर होगा, देखो हमने तो ऐसे तिरछा बना दिया। तो इसी तरह से जितने भी ये है सबका एरिया निकाल निकाल के ऐड करोगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बोलो, एक ही अगर करनी प्रोबेबिलिटी। तो सर ये मुझे बताइए ये वाला कैसे निकलेगा, हाँ तो यही सिखा रहे, एक ही अगर करनी प्रोबेबिलिटी, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो पी ई वन, अगर इवन होती है, इवन इवेंट होती है तो इसके नीचे लिख देना, इवन होती है तो तब एक ही अगर करने की प्रोबेबिलिटी, यानी इतना पोर्शन है ध्यान दीजिए उसका, एक है मतलब इतना होगा, अगर ये होगा तो इसके इतना पोर्शन है, मतलब मैंने कहा ना अगर इवन होगा तो ए का इतना ही पोर्शन ऐड हो रहा है, मतलब ये चीज़ हो गई। प्लस अगर हमारी ई टू इवेंट्स होती है तो तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई टू हो रही है, मतलब ये कल्पना करनी है कि इतनी ई इवेंट हो रही है हमारी, तो उसका इतना पोर्शन आएगा ए का, तो सभी को आप काउंट करते जाइए। इसी तरह से लास्ट ई थ्री अगर हो रही है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लास्ट क्या होगा बेटा, डॉट 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 पी ई एन, अगर एनथ इवेंट होती है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये समझो, ये जो मैंने लिखा है ये जानते हो बेटा ये क्या है, जरा सुन लीजिएगा, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं ई वन इंटरसेक्शन ए, क्या कह सकते हैं, ये ए, ये जो ई वन है और इस ए का ये कॉमन पोर्शन है। और याद कीजिए पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी पी ए बाई बी क्या बताया था, पी ए बाई बी बताया था हमने, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा, पी ए बाई बी और इंटू पी बी। तो वास्तव में ये, वास्तव में क्या है, पी ई वन, ये वास्तव में ये है, देखो ये वास्तव में ये है पी ई वन इंटरसेक्शन ए प्लस ये एरिया, और ये इस एरिया को क्या कहोगे, बोलो पी ए टू इंटरसेक्शन ए। तो इसी वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया बाई दिस तरीके से कि इवन अगर होती है, ये देखो इवन होगी तो ए के होने की प्रॉबिलिटी, ये नीचे लिखना पड़ेगा, जो जो भी लिखोगे इसको नीचे लिखना पड़ेगा, चाहो तो आप ऐसे लिख दो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये क्या लिखोगे, अगर लिखोगे पी बी बाई ए तो ये चीज़, ये चीज़ सेम रहेगी, ये ए है तो ये भी सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमें मालूम है हमें ए की प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो ए को ऊपर रखना है, ए के ऊपर रखना है, तो इवन ये नीचे चलेगा तो ये इवन, तो ये समझो इतना एरिया है ये, और ये समझो इतना एरिया है,
और ये समझिए इतना एरिया और ये ऐड कर दिया, और इसको इस तरीके से फील कर सकते हो कि ये पर्सन इतना रुपया है इसके पास, दूसरा पर्सन इसके पास इतना रुपया है, इसका ये पर्सन इसके पास इतना रुपया है, और लास्ट वाले को इतना रुपया, तो टोटल पता चल गया आपके पास कितना रुपया है। यानी ये जो इवेंट्स है, ये इवेंट्स क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो ये फंडा लगाना होगा। तो अब आपको आदत, देखो हमें हैबिट वही बनानी है कि वो समझ में आ जाए। एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन लिखा होता है, पहले हम भी देखते थे तो टफ लगता था, यार ये तो बहुत कठिन है, लेकिन जिस स्टाइल से मैंने समझाया इससे समझो, ये जो चीज़ है ये समझ लीजिए कि आपको ए है, अब वो पांच इवेंट में बट गया है, यानी पांच इवेंट जब होंगी उनमें से कोई एक इवेंट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये होगा जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये होगा तो तब उसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उतना ही आपको ऐड करना है। अगर वो होगा ही थ्री, तो ये वाला देखो ये पोर्शन क्या है, इसमें ए नहीं हो रहा है, तो हमें वही पोर्शन लेना है कि ए हो जाए, ये समझ लो। ये चीज़ इसीलिए मेज़र करने के लिए ये पूरी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये ए का मतलब, ये ईवन का मतलब, ये थोड़ा ईवन, तो ये ईवन है पूरा, तो ईवन का ए के होने प्रॉबिलिटी, तो ईवन अगर हो जाए तो ए के होने प्रॉबिलिटी, ये चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो रीजन है ना, ये पूरा सर्कल मतलब जो भी दिख रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है ईवन अगर हो जाएगा तो ए के होने प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ हुई, ये चीज़ है आपका पूरा कंप्लीट। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये वो ये है दूसरा ई टू, फिर ई टू नीचे, और जिसके होने प्रोबेबिलिटी उसको ऊपर। इस तरीके से हम सवालों को करते हैं, और यही हमारा होता है टोटल। देखो टोटल मतलब सबको टोटल कर दिया, ऐड करते चले जाए, इनके पास कितना रुपया, उनके पास कितना रुपया, तीसरे के पास कितना रुपया, चौथे के पास कितना रुपया, पाँचवें के पास कितना, और क्या कर दिया, सबको टोटल कर दिया। इसीलिए नाम दिया गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं, और बस यहाँ पर आपको लिखना है e1, e2, e3... ये हमारी कैसी इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी निशेष घटनाएं, या कह सकते हो परस्पर अपवर्जी पूर्ण घटनाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझिए। अगर इवन इवेंट होती है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ई टू इवेंट होती है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और अगर ई थ्री इवेंट होती है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और लास्ट डॉट डॉट एन एनथ इवेंट होती है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और सबको ऐड कर दोगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में, सबको ऐड कर दिया, टोटल कर दिया, वही क्या होगी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी हो गया। चलो देखो, अब देखिए, अब हमें इसे आदत बना देनी है, अब वो आदत इस क्वेश्चन से आपको बन जाएगी। जैसे कल आपको एक क्वेश्चन की आदत बन गई, किसी बैग से अगर चार बॉल निकाली जाए वन बाय वन करके, कर लोगे सवाल, समझ गए होंगे, एक बॉल निकालोगे सर, फिर उसे बैग में वापस नहीं रखोगे, हाँ नहीं रखा, दूसरी बॉल निकालोगे, ऐसी चार निकाल दी, अब मैंने कहा चारों सफ़ेद हो जाए, ठीक है सर हो जाएगा, आप बता दीजिए कितनी सफ़ेद है कितनी ब्लैक है, और भी कोई कलर है तो उसको भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए। चलो अब बात करेंगे आगे, देखो कैसे किया जाता है, और हम इसको आदत बनवा देंगे। देखो कोई फॉर्मल लगाते हम तो कई बार क्या होता है, आदत बन जाती है। जैसे हमने आपको वेक्टर में भी बताया है, आपको आदत बन गई है, जैसे मान लीजिए नहीं पढ़ा है कुछ लोगों ने, लेकिन क्या बताते हैं हम, ये ए बी क्या है, शॉर्टकट रास्ता, क्या है, अब देखो जबकि वो है नहीं तरीका, लेकिन उसमें मजा आता है, तो किसके ए से बी तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है, कोई दो रास्ते बताओ जो ए से हमें बी पहुंचा दें, तो पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता, तो ये क्या है, एक नया स्टाइल आपने सीखा, तो इससे आप आराम से कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, ईजी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम इसके लिए भी आपको फील करा रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला ना समझो, देखो कैसे, देखो इधर पहले समझ लीजिएगा, चल रही है यहाँ पे प्रॉब्लम, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दो बैग हैं, तीन बैग हैं, इसमें एक बैग नहीं होगा, दो तीन बैग हो जाते हैं, जब दो बैग हों तीन बैग हों समझ लेना, वो सवाल इसी का है, बैग फर्स्ट बैग सेकंड, तीन बैग हो सकते हैं, चार नहीं होगा, तीन बैग तक होगा, ठीक है, तो समझ लो वो या तो बेज रूल होगा या आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको एक चीज़ बता दें, लॉ ऑफ जो बेज रूल होते हैं बहुत आसान होता है,
सवाल में आप पहचान जाओगे ये बेज रूल है। देखो कैसे अभी हम बताएंगे, ये हमारा दो बैग है, इसमें हमारे पास है 10 वाइट प्लस 5 ब्लैक बॉल्स है, इसमें हमारे पास 10 ब्लैक प्लस 5 वाइट बॉल्स है। चलो क्वेश्चन क्या कहा जाता है सुन लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन का प्रारूप सुन लीजिएगा, बोर्ड में भी आया हुआ है 2020 की परीक्षा में। तीन बैग भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे और बहुत अच्छे तरीके से करोगे। देखिए दो बैग रखे गए हैं, सवाल में कहा जाता है कि दो बैग में से एक बैग यदृच्छ चुना जाता है। बेटा देखो पहले बैग को सेलेक्ट करना है, देखो एक होता है रेंडमली और एक होता है जो है, रेंडमली का मतलब क्या हो, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, ये चारों तो सेम हैं लेकिन ये अलग अलग कलर के होते हैं, नीले कलर के ये होते हैं, जिस देखो ये हो गया। तो अगर मैंने कहा मेरी ध्यान जा रहा नीले कलर पे, मैंने कहा मैं एक मार्कर को उठाऊंगा, अभी तो सबका कलर सेम है ब्लैक है, लेकिन मान लीजिए नीला पीला कुछ भी होता, मैंने नीले कलर पर नज़र डाली, मैंने कहा ये वाला मैंने एक मार्कर, इसको रेंडमली नहीं करेंगे, पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे नीला उठाना, मैं पहले से सोच रहा हूँ आज मैं इस बच्चे से पूछूंगा, तो वो रेंडमली नहीं, रेंडमली का मतलब मैं किसी से भी पूछ लूँ हाँ बेटा आप बताओ, तो वो होता है रेंडमली। ताशी गड्डी से कोई पत्ता मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये निकालना है, ये नहीं। तो ये क्या है, हमने इस रेंडमली का मतलब मैंने ऐसे कर दिया, देखो मार्कर को इस तरीके से रख दिया, ऐसे कर दिया, ये ऐसे ऐसे किया और मैंने कहा मार्कर निकाल लें, ये हो गया, इसको कहेंगे रेंडमली, मतलब पहले से डिसाइड नहीं किया कि यही मार्कर निकालना। तो वैसे ही दो बैग हैं, इन दोनों को इधर उधर करते गए, दो बैग रखे हैं दोनों को इधर उधर करते, फिर एक बैग ले लिया, यानी दो बैग से एक बैग यदृच्छ चुना गया रेंडमली, मतलब वन बैग इज चूजन फ्रॉम टू बैग्स रेंडमली, यानी दो बैग से एक बैग यदृच्छ चुना जाता है। तो E1 है ये इवेंट, ये वाला बैग चुन लिया, E2 है सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, E2 है सेलेक्टिंग बैग सेकंड, बैग फर्स्ट चुनना और E2 क्या है बैग सेकंड चुनना, ये दो इवेंट्स हो गए और एक निकालनी है तो एक बैग तो आना निश्चित है। देखो ये है, देखो ये दो इवेंट्स हो गए, तीन बैग होंगे तो कितना हो गया E1 E2 E1 क्या होगा सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, E1 का मतलब सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट यानी बैग फर्स्ट चुनना और E2 मतलब बैग सेकंड चुनना, E3 मतलब बैग थ्री चुनना। तो एक बैग चुना जाता है, सुन लीजिएगा, दो बैग से एक बैग को ही अदृश्य चुना जाता है फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, यानी चुने गए थैले से, चुने गए बैग से एक बॉल निकाली जाती है। क्या कहा, चुने गए बॉल बैग से एक बॉल निकाली जाती है, यानी वन बॉल इज जो है ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, एक बॉल सेलेक्टेड बैग से निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है निकाली गई गेंद सफेद रंग की है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है निकाली गई गेंद ब्लैक रंग की है। तो ये समझ लो ये है क्वेश्चन, दो बैग में से एक बैग यदृच्छ चुना जाता है और चुने गए बैग से एक बॉल निकाली जाती है और वो बॉल ब्लैक कलर की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये यहां तक जो सवाल हो गया यही हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सर वो बेज रूल क्या होता है, बेटा बेज रूल में समझ लो कंडीशन लगाएगा, जैसे कैसे यहाँ तो वही चलेगा सब कुछ, जैसे मैंने कहा एक बॉल निकाली, यदि वो निकाली गई बॉल सफ़ेद रंग की है, अब देखो बोल दिया क्या कलर बता दिया उसका कि ये सफ़ेद रंग की, यदि निकाली गई बॉल सफ़ेद रंग की है तो वो बैग फर्स्ट से निकाली गई, इसकी क्या प्रॉबिलिटी। तो ये हो गया बेज रूल, बेज रूल में आपसे कहता है कि ये चीज़ अगर हो जाती है तो इसके होने प्रॉबिलिटी, तो ये समझ लेना कि वो बेज रूल है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, पहले इस सवाल को आप समझ लीजिएगा, दो बैग से एक बैग को यदृच्छ चुना जाता है, चुने गए बैग से एक बॉल निकाली जाती है, ठीक है, चुने गए बैग से एक बॉल निकाली जाती है, उस बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या, क्या किसकी निकालनी है वाइट, अभी लिखा देंगे, अभी लिखो नहीं, अभी लिखा दिया जाएगा। वैसे ये तो बैग के बारे में जानकारी दी है, अब लेकिन थोड़ा और भी लिखना पड़ेगा। E1 का मतलब अभी नोट ना करना, सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट यानी बैग फर्स्ट चुनना, और E2 हमारी कौन सी इवेंट है, सेलेक्टिंग बैग सेकंड यानी बैग सेकंड चुनना, ये दूसरी घटना है, और कौन सी बॉल निकालने के लिए बोला है वाइट, तो क्या होगा
यानी निकाली गई बॉल सफेद रंग की, ड्रॉन बॉल इज वाइट, यानी निकाली गई बॉल सफेद रंग की। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम E1 निकालेंगे। E1 कितना है? E1 मतलब इस बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल बैग कितने हैं? दो। ये वाला कितना है? एक। अगर तीन बैग होते तो इस बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। अरे जिसको निकाले वो कितने हैं? वो एक हैं। और टोटल कितने बैग? दो। चलो दूसरा वाला बताओ, इस बैग के आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बैग दो, इस बैग कितने हैं? एक। अब इस क्वेश्चन में ऐसे करना है, अगर हमारा बैग फर्स्ट सेलेक्ट होता है, बेटा हमें निकालना है, क्या निकालना है? वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो हमें ये फील करना होगा कि हमारा जो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमारा बैग फर्स्ट आता है तो हमारे निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या होगा बोलो, वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो, ये बैग अगर आ जाए तो टोटल बॉल कितनी है? 15। और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 10। चलो कार्टून बाद में देख लिया जाएगा, ये हो गया समझ लो। और दूसरा क्या होगा, अगर हमारा बैग सेकंड आता है तो बताओ वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कितनी बॉल है? 15। देखो बहुत मजा आने लगता है, 5 है 5, उल्टा हो गया, देखो ब्लैक ऊपर है वाइट नीचे। चलो ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? वाइट आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया करो आपस में, इसीलिए इसके नीचे लिखा करो। तरीका देखो, जैसे सिस्टम हम बना रहे, हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में बता रहे E1, तुरंत नीचे लिखो E1, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा उसको ऊपर लिखो, ये निकालो, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? PE1 इंटू PW बाई E1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो PE2 और इंटू PW बाई E2, ये हो गया बेटा। और आप एक प्रकार से समझ लेना, ये केस फर्स्ट है और एक प्रकार से ये क्या है? केस सेकंड। और मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में केसेस को जोड़ा जाता है, कि अगर हमारी वाइट आने प्रोबेबिलिटी, भाई मैंने क्या कहा कि टोटल बताना है, मेरे पास कितना पैसा था, अगर इन दोनों का पैसा जोड़ोगे तो वो नहीं होगा मेरे पास, आपको सारे लोग जिन जिन पर मेरा पैसा गया है उनको। तो हमारी वाइट बॉल अगर बैक फर्स्ट आएगा तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हमारा बैक सेकंड आता है तो फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो ये वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये कितना है? PE1 1/2, PW/E1 कितना होगा? 10/15, P2 कितना है? 1/2, W/E2 कितना होगा? 5/15, तो इधर कितना होगा बेटा? पी वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? ये हो जाएगा 2 से कट होगा, 5 से कट होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया? 1/3 प्लस कितना होगा बेटा? 1/6, 6 LCM आएगा, कितना होगा? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1, तो ये कितना होगा? 3/6, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। PW का मतलब वाइट निकाली गई बॉल की वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ऐसे हम तीन बैग दे दें तो भैया हमें ये भी तो देखना, अगर हमारा बैग फर्स्ट, मैंने कहा नहीं, जैसे हम नहीं बोल रहे इस लड़के को कितना पैसा मिला प्लस इसको कितना, तो वैसे ही है, अगर हमारा ये बैग आएगा तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस अगर हमारा वो बैग आएगा तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और फिर टोटल, इसीलिए नाम दिया है टोटल कर दिया जाएगा, तो ये वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है बेटा। इतना आपको याद रखना होगा, बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा दें इसको, क्वेश्चन को लिखेगा, क्वेश्चन लिख दीजिए। देखो एक बैग में 4 सफेद,
तथा पांच गाली देयर आर 10 वाइट एंड 5 ब्लैक ब्लैक बॉल्स इन वन बैग एक थैले में 10 सफेद तथा 5 काली कॉमा दूसरे थैले में 10 काली तथा 5 सफेद या 5 सफेद तथा 10 काली गेंदे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है देयर आर 10 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन वन बैग कॉमा 10 ब्लैक एंड 5 वाइट इन द सेकंड बैग चूजिंग वन बैग एट रैंडम। एक बैग यदृच्छया चुना जाता है। चूजिंग वन बैग एट रैंडम, एक बैग यदृच्छया चुना जाता है। चूजिंग वन बैग एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक बैग यदृच्छया चुना जाता है तथा उससे एक बॉल निकाली जाती, एक गेंद निकाली जाती है। यदृच्छया एक बैग चुना जाता है तथा उससे एक गेंद निकाली जाती है। चूजिंग वन बैग एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल बीइंग वाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल बीइंग वाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द ड्रॉन बॉल बीइंग BEING होना इसको कहेंगे बीइंग वाइट। तो गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है। गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे करके धीरे धीरे करके आप को रोज़ नई नई चीज़ें नॉलेज में ऐड हो रही हैं। तो निकाली गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हो गया बेटा? Yes, अच्छा, इसमें एक बैग बढ़ाने से कोई दिक्कत तो होगी नहीं? Yes, यहाँ पर एक और हो जाएगा P3। Yes, और इसी के नीचे लिखा करो, एक स्टाइल बता रहे हैं आपको, इसी के नीचे लिखा करो। ये हो जाएगी तो उसकी होने प्रोबेबिलिटी, और फिर आराम से फिर उन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस ये मल्टीप्लाई करके E3 हो जाएगा। एक और हो जाएगा। Yes, तो देखो आपको तरीका समझ में आ गया इस सवाल में पैटर्न क्या होता है। एक बैग निकाला, मतलब दो बैग में से एक बैग चुना गया, फिर रेंडमली वो भी, फिर उसमें से एक बॉल निकाली गई। तो पहले हमें ये देखना होगा हमने कौन सा बैग निकाला है, तब तो बॉल निकालेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए समझो अब तीन बैग होंगे तो तीन पॉसिबिलिटी होगी। इसीलिए देखो तीन ऐड हो रहे हैं, एक प्रकार से तीन केस है वो। तो अगर हम बैग फर्स्ट निकालते हैं तो हम ये देख लेंगे कि हमारी वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसको इस तरीके से मेजर करेंगे। ये क्या चीज़ है? बैग फर्स्ट आएगा और वाइट बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? बैग सेकंड आएगा और वाइट बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी। और दोनों को टोटल ऐड कर दोगे, पता चल जाएगा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी। मेरा इसके पास इतना अमाउंट है, इसके पास पाँचों के पास जो अमाउंट है सबको ऐड कर दिया, पता चल जाए। मैंने कहा ना इनके पास कितना, तो इनका नाम भी बताना। मैंने कहा तो इनके पास कितना अमाउंट आया, तो वैसी ये इवेंट होगी तो वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालो। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लोगे आप। मिटाएं इसको। अब एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, निकाल लोगे? चलो लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखे, समझ लेना। सवाल वही है, चाहो तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो।
वैसी क्वेश्चन लिखिएगा। सवाल अपने आप पहले क्वेश्चन को बना के लिखो। हम यहाँ पे बॉल बता रहे हैं कितनी है। वैसे लिखिए, सवाल बनाओ जल्दी से अपने आप से। जो क्वेश्चन लिखा है एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को नोट करिए, बस डिजिट में बदलाव कीजिए। एक थैले में कितनी है? 7 सफेद 5 काले। दूसरे थैले में 10 सफेद 5 काले। और फिर एक बैग यदृच्छ चुना जाता है और उससे एक बॉल निकाली जाती है। उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहाँ पे थोड़ा बदल देना। निकाली गई गेंद के काले होने की प्रायिकता क्या है? काली होने की प्रायिकता क्या है? यानी जहाँ पे आपने वो इंग्लिश में लिखा था वहाँ पर आप वाइट की जगह ब्लैक लिख देना। ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक बॉल आएगी? सब कुछ वही है। दो बैग से पहले एक ही बैग यदृच्छ चुना जाता है, उससे फिर एक बॉल निकाली जाती है। उस बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वो E1 E2 अपना लिख लेना बाद में, ठीक है, कि बैग फर्स्ट चुनना, बैग सेकंड चुनना। तो यहाँ पर कितने बैग हैं तो करिए, आप देखें कितने लोगों का आंसर आ रहा है। बताइएगा आंसर, बताइएगा। देखिए बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान देना। E1 ये बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया तो बैग फर्स्ट ही आएगा जो दोनों बैग में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल दो बैग हैं, ये हो गया। PE2 क्या होगा? दूसरा बैग आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। अगर हमारा बैग फर्स्ट सेलेक्ट होता है तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बॉल कितनी है? 12, और ब्लैक बॉल कितनी है? 5। अगर हमारा सेकंड बैग सेलेक्ट होता है तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक कितनी है? 5। टोटल बॉल कितनी है? 15। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे। PE1 डायरेक्ट ना करो, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इनको ना करो डायरेक्ट, डिटेल में करना होता ना। तो PE1 देख लो यहाँ पे क्या होगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे PE2 इंटू PB/E2। देखो कितना इजी तरीका बना दिया आपके लिए। तो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, PE1 की वैल्यू रखो 1/2 और PE1/B 5/12 प्लस PE2 कितना होगा, 1/2 प्लस 5/15। तो ये हो जाएगा 5/24। अच्छा एक काम करो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 × 5 5 × 15। तो यहाँ से चलो क्या होगा, 5/24 प्लस कितना होगा, 1/6। कितना LCM आ गया? 24। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से काटेंगे 4 बार। तो ये हो जाएगा कितना, 5 × 4 = 9, 9/24, 3 × 9 = 3/24। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। ये हमारा आंसर होगा, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। यानी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा बैग फर्स्ट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग सेकंड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर बैग फर्स्ट सेलेक्ट हुआ है, अगर हमने बैग फर्स्ट को चुना है तो उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये हो। आ गई बात समझ में? कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? चलिए मिटाएं इसको, एक बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करेंगे। जो लिखेंगे,
लिख लो इसका आंसर, निकाल देना जल्दी तुरंत। देर आर फोर वाइट, थ्री रेड, फाइव ब्लैक बॉल्स इन वन बैग। तीन बैग हैं, एक बैग में इतना है कॉमा, फिर सिक्स रेड थ्री वाइट फाइव ब्लैक बॉल्स हैं इन सेकंड बैग, दूसरे वाले बैग में इस हिसाब से बॉल हैं, और दूसरा थ्री वाइट थ्री ब्लैक एंड नाइन रेड बॉल्स इन द थर्ड बैग, तीसरे बैग में इतनी बॉल है। आगे कहा जा रहा है चूजिंग वन बॉल, चूजिंग वन बैग, पहले एक बैग चुना एट रैंडम, पहले बैग चुनोगे तब तो बॉल निकालोगे, फिर कहा है एंड वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली जाती है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉन फ्रॉम इट, इससे एक बॉल निकाली जाती है बैग से, फिर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन बॉल बीइंग रेड फ्रॉम इट, फोर वाइट थ्री रेड और फाइव ब्लैक, दूसरे बैग में है सिक्स रेड थ्री वाइट और फाइव ब्लैक, तीसरे बैग में थ्री वाइट थ्री ब्लैक और नाइन रेड, तीन बैग हैं और किस हिसाब से बैग में बॉल हैं वो हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीनों से एक बैग को यदृच्छ चुना जाता है, उससे फिर एक बॉल निकाली जाती है, वो बॉल लाल रंग की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो जाएगा? Yes, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर बड़ा आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 179/420, देखें कितने लोगों का आता है। अभी आपको ही करना है क्वेश्चन।